Hello everybody, welcome to our channel. I hope you all are well, and today we are going to learn about some confusing words. Sometimes you may have faced problems due to these words: expect, accept, accept and aspect. ये चार words आपके पास हैं. एक हमारा हो गया expect और accept और accept और aspect. इन चारों का मतलब भी अलग अलग होता है, यूजेस भी अलग अलग होता है, और कई बार हम सेंटेंस के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस जगह पर कौन सा वर्ड हमें यूज़ करना है. उसी डाउट को आज हम रिमूव करेंगे इस वीडियो में. लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपका जो भी डाउट है इन चारों वर्ड्स को लेकर वो एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके सामने हर एक वर्ड के साथ उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी लेकर आऊँगा. देखिएगा ज़रा सा, ये एक्सेप्ट है और ये एक्सेप्ट है. दोनों का साउंड तो सेम है बट स्पेलिंग अलग अलग है. सबसे पहले हम चल रहे हैं एक्सेप्ट पर. ओके, ए डबल सी ई पी टी. किस पर चल रहे हैं? ए डबल सी ई पी टी, एंड दिस इज़ अ वर्ब. ओके, ये हमेशा होता क्या है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से, अगर हम इसको पहचाने तो ये है हमारे लिए वर्ब, यानी कि मेन वर्ब का काम करता है ये सेंटेंस के अंदर. ओके, अब देखिए इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो स्वीकार करना. एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरे सभी वीडियोस में आपको सब कुछ लिखा हुआ जो है वो ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश में मिलेंगी, बट मैं सारी चीज़ों को इलेबरेट जो है वो हिंदी में करता हूँ. तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो किस तरह से हम हिंदी करेंगे. तो हमारे हिंदी मीडियम के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं और इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं, दोनों के लिए कंबाइंड वीडियो मैं बनाता हूँ. तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें और वीडियो को पूरा देखें. आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी और इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश, दोनों चीज़ें मेरे सभी वीडियोस में अवेलेबल हैं. ओके, चलो आज चलते हैं हम हमारे वीडियो के ऊपर. तो एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना. ठीक है, और एक्सेप्ट इज ऑलवेज यूज्ड एज अ वर्ब. और एक्सेप्ट का यूज़ हमेशा किस तौर पर होता है? वर्ब के तौर पर होता है, यानी कि एक वर्ब ये कहलाती है किसी भी सेंटेंस के अंदर. और ये जो सेंटेंस है इज ऑलवेज यूज्ड, ये जो इसके साथ हमने थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है, ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है. जब हम पैसिव को पढ़ेंगे तो इसका और अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखेंगे. टू एक्सेप्ट इज टू रिसीव. एक्सेप्ट करना क्या होता है? रिसीव करना. ठीक है, किसी चीज़ को रिसीव करना ही क्या है? एक्सेप्ट करना. ओके, तो ये तो हो गए इसके डेफिनेशन की बात, क्या चीज़ है. तो पहला हम इन चारों में से क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेप्ट. ओके, तो एग्जाम्पल देखिए, स्वीकार करना हो गया किसी चीज़ को, एग्री कर लेना है ना, वी एग्री, और वी एग्री टू टेक समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के लिए एग्री होना या फिर किसी चीज़ को लेने के लिए या करने के लिए एग्री होना, उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं? एक्सेप्ट का. ओके, एग्जाम्पल देखिए, दे डू नॉट एक्सेप्ट कैश इन दियर स्टोर्स, यानी कि वे अपने स्टोर के अंदर कैश को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल देखिए, माई पेरेंट्स डू नॉट एक्सेप्ट माई गर्लफ्रेंड, कि मेरे पेरेंट्स जो हैं मेरी गर्लफ्रेंड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बिकॉज क्योंकि शी हैज़ मैनी टैटूज़ ऑन हर बॉडी, क्योंकि उसकी बॉडी पर क्या है, बहुत सारे टैटूज़ उसने बना रखे हैं, तो इस वजह से मेरे जो पेरेंट्स हैं वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एक्सेप्ट दैट आई लाइक हर, कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि आई लाइक हर, कि मैं उसे पसंद करता हूँ. ठीक है, यहाँ पर भी एक्सेप्ट का यूज़ हुआ है. तो एक्सेप्ट यहाँ पर देखें या फिर यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें, तो एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है, और जिसका मतलब क्या है? किसी चीज़ को रिसीव करना या किसी चीज़ के लिए एग्री होना या किसी चीज़ को करने के लिए एग्री होना. ठीक है, शी एक्सेप्टेड हर गिफ्ट विद अ स्माइल, कि उसने अपना जो गिफ्ट था वो कैसे एक्सेप्ट किया, किस तरह से स्वीकार किया? स्माइल के साथ. पीपल यूजुअली एक्सेप्ट द रूल्स एंड लॉज, कि पीपल जनरली या यूजुअली हम कहें सामान्यतः हिंदी में हम कहते हैं इसे, कि रूल्स और लॉज यानी कि नियम और कानूनों को एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, यानी कि स्वीकार तो कर लेते हैं, बट हार्डली फॉलोज देम, लेकिन उन्हें फॉलो बहुत मुश्किल से करते हैं. हार्डली का मतलब क्या होता है? मुश्किल से. तब तक आप इन सभी सेंटेंसेस को एक बार देख लीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड के एक्सप्लेनेशन पर. ओके, टेक योर टाइम प्लीज़. सो हियर We are going to our next word, accept. ये accept एक अलग चीज़ है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था वो accept एक अलग चीज़ है. Spelling देखिए, A double C E P T अभी हमने पढ़ा है जो,
और नेक्स्ट हमारा है ई एक्स सी ई पी टी, यानी कि एक्सेप्ट। इसका हिंदी में मीनिंग अगर देखें तो होता है के सिवाय या फिर छोड़कर, जैसे कि मेरे सिवा सभी को बुलाया गया था, या फिर आपको छोड़कर सभी लोग दिल्ली गए हुए हैं। ठीक है, इस तरह से हम हिंदी में कहते हैं, उसी तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं वो देखिए। अच्छा, सबसे पहले एक्सेप्ट होता क्या है, एक्सेप्ट प्रेपोजिशन है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए, एक्सेप्ट इज़ ऑलवेज यूज्ड एज अ प्रेपोजिशन। अगर ये प्रेपोजिशन है तो अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेगा। ठीक है, जब मैं प्रेपोजिशन का चैप्टर लेकर आऊँगा उसमें आपको ये सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। कई बार एक्सेप्ट जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में आकर भी जुड़ जाता है, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि एक्सेप्ट एज अ प्रेपोजिशन आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू एक्सेप्ट के बाद वाला जो हमें सब्जेक्ट नज़र आ रहा है या फिर कोई नाउन नज़र आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कभी भी हमारी मेन वर्ब नहीं होगी। ये चीज़ें हम वहाँ पर देखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ एक्सेप्ट के बारे में देख रहे हैं। द प्रेपोजिशन एक्सेप्ट मीन्स एक्सक्लूडिंग, कि जो प्रेपोजिशन एक्सेप्ट है इसका मतलब क्या होता है, एक्सक्लूडिंग। और एक्सेप्ट का मतलब क्या था, ए डबल सी ई पी टी, इस एक्सेप्ट का मतलब था इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग का मतलब किसी चीज़ को इंक्लूड कर लेना, और इसका अपोजिट होता है क्या, एक्सक्लूड कर देना, यानी कि किसी चीज़ को बाहर निकाल देना। इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हैं, यानी कि एग्जिट। एक्सक्लूड से आप क्या समझ सकते हैं, एग्जिट, यानी कि किसी चीज़ को एग्जिट कर देना, यानी कि बाहर कर देना। ठीक है, एक्सेप्ट से आप ध्यान रख सकते हैं एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है बाहर, के सिवाय या फिर छोड़कर। ठीक है, टू एक्सेप्ट इज़ टू एक्सक्लूड, यानी कि एक्सेप्ट क्या है, एक्सक्लूड करना है, किसी चीज़ को बाहर निकालना है या फिर उस चीज़ को छोड़कर चलना है। तो हम क्या यूज़ लेते हैं उस समय पर, एक्सेप्ट, ई एक्स सी ई पी टी। एग्जाम्पल्स पर चलते हैं। शी लाइक्स ऑल टाइप्स ऑफ फूड एक्सेप्ट फिश, कि वो सभी तरह का जो फूड है वो पसंद करती है एक्सेप्ट फिश, सिर्फ फ़िश के अलावा या फिर फ़िश को छोड़कर वो सभी तरह का जो भोजन है वो पसंद करती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, माय फादर इनवाइटेड ऑल द रिलेटिव्स एक्सेप्ट माय अंकल, यानी कि मेरे फादर ने सभी रिलेटिव्स जो हैं हमारे, सभी जो रिश्तेदार हैं उन्हें इनवाइट किया एक्सेप्ट माय अंकल, मेरे अंकल को छोड़कर, यानी कि मेरे चाचा को छोड़कर। क्लियर है बात। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे वर ऑल रेडी टू लीव, वो सभी लोग तैयार थे छोड़ने के लिए, यानी कि हो सकता है वहाँ पर घर छोड़ने की बात हो, ठीक है, या फिर वो जगह छोड़ने की बात हो, एक्सेप्ट देयर मदर, उनकी माताजी के अलावा, यानी कि उनकी माताजी तैयार नहीं थी वो जगह छोड़ने के लिए, लेकिन बाकी सारे लोग क्या थे, तैयार थे। ठीक है बात, क्लियर है। पीटर डज नॉट लिसन टू म्यूज़िक एक्सेप्ट ऑन सैटरडेज, ये आप देख रहे होंगे कि प्लूरल कैसे बन गया। ठीक है, जब कभी हम एक साथ कई दिनों की बात कर लेते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर डे की बात हम उसको प्लूरल सेंस में करते हैं, जैसे कि मैं हर शनिवार को कहाँ जाता हूँ, घूमने जाता हूँ, तो वहाँ पर मैं सैटरडेज ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ, सैटरडेज। ओके, पीटर डज नॉट लिसन टू म्यूज़िक एक्सेप्ट ऑन सैटरडेज, कि पीटर जो है वो सैटरडे के अलावा बाकी दिन क्या नहीं करता है, म्यूज़िक नहीं सुनता है। ठीक है, वो सिर्फ किसके अलावा, सैटरडे के अलावा, यानी कि सैटरडे के अलावा वो बाकी के दिन म्यूज़िक नहीं सुनता है। वो कब सुनता है म्यूज़िक, सैटरडे को ओनली। ठीक है, दिस ऑफिस इज़ ओपन ऑल डेज एक्सेप्ट ऑन संडेज़, यानी कि ये जो ऑफिस है वो खुला रहता है एक्सेप्ट ऑन संडेज़, संडे के अलावा, यानी कि हर संडे को ऑफिस क्या है, बंद मिलेगा आपको। ठीक है, इसी तरह से बैंक के सेंस में भी, दिस बैंक इज़ ओपन ऑल डेज एक्सेप्ट ऑन संडेज़, कि ये बैंक जो है वो खुला रहता है संडे के अलावा, बाकी सभी दिन क्या है, बैंक खुला रहता है। तो इस तरह से हमने देखा एक्सेप्ट, जिसे कि मैंने आपको सर्कल बना के दिया हुआ है, ये वाला एक्सेप्ट और ई एक्स सी ई पी टी, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। अब हम अगला हमारा चलेंगे एक्सपेक्ट और एस्पेक्ट के ऊपर। ठीक है, तब तक आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए। टेक योर टाइम प्लीज़। हियर वी गो आर नेक्स्ट वर्ड, एक्सपेक्ट। ओके, वी हैव डिस्कस्ड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, दोनों तरह के एक्सेप्ट को हमने डिस्कस कर लिया है, ए डबल सी और ई एक्स वाला। ठीक है, और अब हम चल रहे हैं एक्सपेक्ट, यानी कि किसी से उम्मीद करना, एक्सपेक्ट करना। ये एक्सपेक्ट क्या होता है, हमारा एक वर्ब होता है। एक्सपेक्ट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ वर्ब, कि एक्सपेक्ट का यूज़ भी किस तरह से किया जाता है, एज अ वर्ब किया जाता है। टू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम समवन, यानी कि किसी व्यक्ति से किसी चीज़ की उम्मीद करना, जब हम यूज़ लेते हैं क्या, एक्सपेक्ट का। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, उम्मीद करना।
एग्जाम्पल पर चलते हैं। किसी भी व्यक्ति से आपको कोई उम्मीद है, कोई एक्सपेक्टेशन है, तो आप वहाँ पर वर्ब के तौर पर क्या यूज़ लेते हैं? एक्सपेक्ट। ठीक है, ये वर्ब है और इस एक्सपेक्ट से ही एक नाउन बनता है, उसकी हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एक्सपेक्टेशन क्या है? हमारा नाउन है। क्या होता है एक्सपेक्टेशन? नाउन, जिसका मतलब क्या होता है? उम्मीद। इसका मतलब सिर्फ उम्मीद होता है, ठीक है, और इसका मतलब होता है उम्मीद करना, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब है। ओके, आई एक्सपेक्ट यू टू पास दिस एग्ज़ाम ईजीली, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से जो है पास कर लोगे, ठीक है। गुंजन डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मिस द बस, कि गुंजन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, गुंजन ने उम्मीद नहीं की थी कि वो बस को मिस कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी, कि मुझसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद मत रखना। आप यहाँ पर मी की बजाय, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था पिछले सेंटेंस के अंदर भी, कि आप प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। आप यहाँ किसी नेम को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कहें कि मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है, या फिर उससे कोई उम्मीद मत रखो, तो आप क्या कहेंगे? डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम, ठीक है, कि आप उससे कोई उम्मीद ना रखें। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू, कि आपसे कोई उम्मीद मत रखो, ठीक है। अपने आप से कोई उम्मीद मत रखो या मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, तब हम कहते हैं मी। अगर उससे कोई उम्मीद मत रखो तो हिम, और अगर किसी गर्ल की बात हो रही है तो हर, ठीक है। अगर हम किसी प्लूरल सेंस में लेकर चलें, तब हम क्या यूज़ ले सकते हैं? डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम, ओके, दे, देयर और देम, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस। अगर आप किसी का पर्टिकुलर नेम यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर मी, हिम, यू, हर या फिर देम की जगह उसका नेम यूज़ ले सकते हैं। कैसे? डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मोहन, कि मोहन से कोई उम्मीद मत रखो। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम गुंजन, कि गुंजन से कोई उम्मीद मत रखो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए हमारा, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, कि किसी भी व्यक्ति से कोई उम्मीद ना रखें। पीपल आर वेरी बिजी विद देयर लाइफ्स, क्योंकि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, किसके अंदर? अपनी ज़िंदगी के अंदर ही वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इसलिए लोगों से कोई उम्मीद ना रखें। अब चलते हैं हम हमारे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं इस सेंटेंस, जो हमारा ये वर्ड है एक्सपेक्टेशन, इस पर एक सेंटेंस आपको बनाकर दूंगा। तो एक्सपेक्टेशन क्या होती है? उम्मीद। जैसे इससे हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन क्या है? हमारा नाउन है, इसलिए हम इसे प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम माय डॉटर, कि मुझे मेरी बेटी से बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो उस सेंस में हम एक्सपेक्टेशन को नाउन भी बना सकते हैं, और जब हम इसे वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी तो तब हम क्या करेंगे? एक्सपेक्ट। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। दो मैंने सर्कल बना दिए हैं, एक्सेप्ट, और ये हमारा सेकंड एक्सेप्ट, और एक्सपेक्ट, इस पर भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम हमारे लास्ट वर्ड यानी कि एस्पेक्ट पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा आपके पास समय है, टेक योर टाइम प्लीज़। ओके, लास्ट वर्ड एस्पेक्ट, इसका हिंदी में मतलब होता है पहलू, यानी कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे इसी तरह से हर चीज़ के क्या होते हैं? दो पहलू होते हैं, मतलब कि किसी भी चीज़ के अंदर क्वालिटी भी होती है और डिसक्वालिटी भी होती है। किसी चीज़ की एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, यानी कि गुण और दोष दोनों चीजें हर एक चीज में पाई जाती हैं, ठीक है। तो एस्पेक्ट का अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो क्या होगा? क्वालिटी और डिसक्वालिटी ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज की क्वालिटी और डिसक्वालिटी को बताने वाला जो शब्द है वो होता है एस्पेक्ट। एग्जाम्पल पर चलते हैं, क्लाइमेट एंड वेदर अफेक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आर लाइफ, यानी कि जो क्लाइमेट है और वेदर है, जलवायु और जो मौसम है, वो अफेक्ट करता है हमारे जिंदगी के हर एक पहलू को, ठीक है। अफेक्ट यहाँ पर वर्ब है। जब आप मेरे वीडियो में कंफ्यूजिंग वर्ड का एक वीडियो आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में जाकर, उसमें जाएंगे तो आपको और डिटेल में पता लगेगा कि इफेक्ट और अफेक्ट के बीच क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। वन सिचुएशन कैन हैव द मैनी एस्पेक्ट्स, यानी कि किसी भी स्थिति की या किसी परिस्थिति की बहुत सारे क्या हो सकते हैं? एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। मतलब कोई भी घटना अगर घटित हो रही है तो उसके होने के पीछे बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, कुछ अच्छे होंगे और कुछ बुरे भी होंगे, ठीक है।
तो इस तरह से आज हमने चार वर्ड्स के ऊपर बात की, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सपेक्ट और एस्पेक्ट। चारों का मीनिंग अलग अलग होता है, यूजेज अलग अलग होता है, और हमने देखा कि चारों की डायमेंशन अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन चारों लगभग सेम से ही दिखते हैं। कभी कभी हम कंफ्यूजन होता है, तो वो सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक वर्ड आप लिख लीजिए, एक वर्ड मैं आपको दे देता हूं, एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट जिसका मतलब होता है इलीगल पजेशन। हालांकि मैं इस पर वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ वोकैबुलरी के ऊपर, पर फिर भी आप एक बार देख लीजिए इस वर्ड को। एनक्रोचमेंट यानी कि इलीगल पजेशन, इसका मतलब होता है अतिक्रमण। हिंदी में हम इसे कहते हैं अतिक्रमण। जैसे किसी जगह पर गैर कानूनी रूप से कई बस्तियां बस जाती हैं, या किसी जगह पर बहुत सारे घर बना लेते हैं लोग, तो उस तरह की जो क्रिया होती है, उस तरह का जो काम है, उसे हम कहते हैं एनक्रोचमेंट यानी कि इलीगल पजेशन, अतिक्रमण। ठीक है, ये शब्द आपने बहुत बार देखा होगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। बात रही है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को आपको दूसरे लोगों को भी शेयर करना चाहिए तो शेयर जरूर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।